तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे वीडियो में। और गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा सब अपने गाइस टैगोना के फ़ोन में गाइस आप किस तरीके से गाइस चार्जिंग साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट कर देंगे आज का वीडियो। तो गाइस, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन सेटिंग के ऐप को ओपन कर देना है। तो गाइस, यह फ़ोन सेटिंग का ऐप हमने कर लिया इसको ओपन। फिर गाइस, आपके सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन आ जाते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ से यू करके गाइस आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर गाइस, आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस आपके सामने ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन। तो गाइस, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर गाइस, आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है चार्जिंग साउंड। तो गाइस, आपको उसको इनेबल करना है। गाइस कैसे करेंगे, आप इस पर टच करेंगे तो गाइस हमारा गाइस चार्जिंग साउंड जो गाइस इनेबल होता है। गाइस आपको डिसेबल अगर गाइस आपको करना है इनेबल करने के बाद, तो गाइस आपको डिसेबल करने के लिए आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो गाइस डिसेबल भी हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार गाइस आप हमारे टैगोना के फ़ोन में गाइस चार्जिंग साउंड को गाइस इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो गाइस आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस आप सभी को गुड बाय।